हाय गाइस, कैसे हो यार आप सब। बहुत टाइम बाद आज व्लॉग आ रहा है, दो तीन दिन हो गए मेरे ख्याल से। थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है यार कभी कभी, तो हो जाता है ऐसा। भाई आजा बच्चे, चलो भाई हीरो। तो आज यार हम इवनिंग वॉक है। ये देखो कितना प्यारा मौसम है, हवा चल रही है, ठीक है। पार्क में लोग हैं, वरना मैं लेके आता आज तो अपने सारे डॉग्स को ले आता। तो अभी फ़िलहाल बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ मैं आज, जो अभी तक मैं लाइफ में लेके ही नहीं आया, ठीक है। पहली बार लेके आया हूँ तो सोचा वीडियो पे लाना चाहिए। तो देखो रॉक्सी आई है और रॉक्सी के साथ आया है अपना पैंथू एंथर। तो इन लोग की वॉक आज पहली बार है यार, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है ना। रॉक्सी इससे कुछ सीखती है कि नहीं। अभी मेरे पास कैमरा नहीं था उस टाइम, मतलब मैंने ऑन नहीं किया था, तो एक सांड बैठा हुआ था बहुत बड़ा सा, तो रॉक्सी उस पर भौंकने लगी बहुत तेज़। तो सांड उठ के खड़ा हुआ और रॉक्सी की तरफ दो तीन कदम आगे बढ़ाए, तो रॉक्सी बेचारी भौंकते भौंकते डरने लगी। फिर पीछे से पैंथर अपना शेर की तरफ भौंका, वाह वाह, पूरी दम लगा के। वो सांड के जो पीछे हुआ है ना, रॉक्सी भाई साहब आगे चार कदम बढ़ के भौंकी है है ना। खैर अटैक करना नहीं सिखाना है मेरे को, बस ये है कि हाँ डरे भी ना मेरे डॉग्स। कभी ऐसे ना हो कि आगे से मेरे ऊपर कोई गाय वाय दौड़ के आ रही हो अटैक उटैक करने। तो मेरे डॉग्स अगर हों तो, अगर मुझे बचा सकते हो तो बचाएं, तो है ना। ऐसा नहीं सिखाना है मेरे को कभी भी कि मतलब ज़बरदस्ती मेरे डॉग्स अटैक कर दे किसी पे, ना ना ना, वो तो गलत है यार, फिर तो बाद में कंट्रोल भी नहीं होंगे। एंड आज रॉक्सी को इसीलिए भी पैंथू के साथ लिया क्योंकि रोज़ रोज़ वो अपनी बहनों के साथ आती है, तो उसको और डॉग के साथ भी टीम वर्क आना चाहिए ना। उसको पता होना चाहिए कि टीम में कितने लोग हैं, कैसे कैसे कोऑपरेट करना है, ठीक है, टीम का हेड कौन है। एंड बाद में मेटिंग भी तो पैंथर से ही होनी है छुटकी की, तो देखते हैं यार, शुरुआत से बॉन्डिंग होनी चाहिए ना। अभी देखो गाय का छोटा सा बच्चा जा रहा है, तो पैंथर नहीं भौंक रहा है लेकिन छुटकी भौंक रही है ना। बट क्योंकि पैंथर है तो छुटकी की हिम्मत ज़्यादा है। अब पैंथर भी शुरू हुआ, बाप रे, बस बस नहीं, वो कुछ नहीं करेगा भाई, आप चले जाओ। अरे वो कुछ नहीं करेगा यार, ना बहन दो। एक्चुअली कुछ लोग जा रहे थे जो कि डर गए थे काफ़ी, तो वही बोल रहे थे कि भाई इनको हटा लो, है ना। तो रॉक्सी ऐसे ही यार धीरे धीरे टीम वर्क सीख जाएगी, इसके साथ भी घूमना सीख जाएगी, वरना अभी तक तो बस अपनी तीनों बहनों के साथ घूमती है। एंड उसको यही पता है, आपने देखा ये लोग घूमते हैं तो लीश को कैसे बांध लेते हैं, गोल 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 सब अटक अटक आ जाते हैं, है ना। तो आज पहली बार क्योंकि पैंथर के साथ आई है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेगी यार, उससे बड़ा है एज में एंड उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है पैंथर के। यार इतनी शेडिंग हुई है ना, इतनी ज़्यादा वाली शेडिंग, कुछ पूछो ना। पीछे वाले पार्ट में तो बहुत शेडिंग हो रही है, कितनी भी कोम्ब कर लो, कुछ भी कर लो, काफ़ी शेडिंग हो रही है। लेकिन कोई नहीं यार, शेडिंग होना इज़ गुड, शेडिंग होगी तभी नए बाल आएंगे। उधर एक स्ट्रीट डॉग था, उसके ऊपर भौंक रही है। कोई बात नहीं रॉक्सी, कोई बात नहीं बेटा, आओ। अब जैसे पैंथर ने इग्नोर कर दिया स्ट्रीट डॉग को, तो जैसे पैंथर ने कर दिया वैसे वो भी करना सीख जाएगी उसको भी पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स कोई थ्रेट नहीं है। अभी अगर ये छुटकी के साथ आई होती तो ये भौंकती रहती, जो अगर बाकी की जो इसकी सिस्टर्स हैं ये उनके साथ आई होती तो ये भौंकती रहती, क्योंकि इसको भी उतना ही एक्सपीरियंस है जितना उनको है, तो वो भौंकती तो ये भी भौंकती रहती। आगे यार कोई कार्यक्रम हो रहा है ना, जो क्योंकि मुझे यहाँ से आवाज़ आ रही है ढोलक वगैरह की, तो वही वाला सीन है। आगे जाने से फ़ायदा नहीं है। अब जैसे आगे ये दो डॉग्स आ चुके हैं, है ना, आई होप आपको दिख रहे होंगे। तो अब हम लोग इसी तरफ चलेंगे, नहीं बच्चा आ जाओ, तो पैंथर इन्हें इग्नोर कर देगा बिल्कुल, जब इनके पास से जाएगा तो बिल्कुल नहीं भौंकेगा, ठीक है। अगर पास आ गए इस पर अटैक करेंगे तो ये बचेंगे नहीं, लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो भी कुछ नहीं करेगा। तो यही चीज़ छुटकी को भी सीखनी पड़ेगी कि भाई ज़बरदस्ती अटैक नहीं करना है किसी पर, ज़बरदस्ती भौंकना नहीं है। देखो वो भी शांत एकदम मस्त है ना, वो डॉग्स यहाँ से पार्क में घुस गए। ये पार्क पैंथू का फेवरेट पार्क है, लेकिन जा नहीं सकते यार क्योंकि इसमें घास सबसे बड़ी है, तो इसको बहुत मज़ा आती है इसमें, है ना। पर क्या करें यार, जा नहीं सकते। एंड हाँ यार, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ब्लॉग की डिमांड करते हैं, तो क्योंकि लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड है तो बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग व्लॉग्स भी बनाने पड़ेंगे मेरे को, है ना। एंड ज़रूर बनाएंगे, हम इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे। एंड स्टार्टिंग यही अपनी रॉक्सी और इसकी सिस्टर्स से करेंगे, है ना। इनकी ट्रेनिंग क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं की है, इनको कुछ भी नहीं आता,
कुछ भी, मतलब कुछ भी, जीरो कमांड आता है इनको भी। हालांकि मैं मानता हूँ बहुत ही लेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रेनिंग आम दौर पे जब आपका पपी 8 वीक्स का होता है, जो आम जो जनरल बिलीव है वो यही है कि जब आपका पपी 8 वीक्स यानी कि 2 महीने का कंप्लीट होता है तब आपको उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओहो, ये क्या ब्रेड क्रम्स पड़े हैं? नहीं बच्चा मत खाओ, फूड पॉइजनिंग हो गई तो पता नहीं कैसा हो। ना 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 ना, कोई बात नहीं, आ जाओ, है ना। तो ये देखो यार, इसने फिर से लीश बांध ली अपनी, लेकिन कोई ज़्यादा वाली बात, दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 ही डॉग्स हैं तो ये खुल जाएगी। 3 डॉग्स में अटकती है लीश, है ना। तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, इन्हीं चुटकियों की ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी डॉग्स तो मेरे बड़े हैं, वो ऑलरेडी कमांड्स जानते हैं, तो उनको मैं अगर आपको वीडियो में दिखाऊंगा कैसे सिखाना है तो आपको शायद नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन जब इनको सिखाऊंगा लाइव और ये लाइव सीखेंगे वीडियो में, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सीख सकते हैं तो आप भी सिखा सकते हो। एंड हाँ, एक और चीज़ है कि कई सारे लोगों को मैंने ऐसा बोलते हुए सुना है कि अगर आपका डॉग बड़ा हो गया है एंड उसे कुछ नहीं आता तो अब उसे सिखाना बहुत मुश्किल है। यार आई एग्री, उसे सिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपका डॉग एक लालची डॉग है ना तो बहुत जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि सारा जो हमारा सिखाने का बेस है ना, जो हम सब लोग जो ट्रिक मोस्टली यूज़ करते हैं मोस्टली, वो होती है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, है ना। उसका मतलब है कि पॉजिटिव आप उसको रिस्पॉन्ड करो जब भी वो कोई चीज़ बहुत अच्छी करे, और पॉजिटिव रिस्पॉन्ड से मेरा मतलब है कि आप उसको ट्रीट दो, है ना। कुछ भी अच्छा करे तो ट्रीट दो, और ट्रीट का ये मतलब नहीं है कि आपको मार्केट जाके जो ट्रीट्स अवेलेबल होती है वही लानी पड़ेगी। आप अफोर्ड कर सकते हो ले आओ, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप स्टूडेंट हो, आपके मम्मी पापा इतना पैसा नहीं देते हैं, तो आप कुछ भी एज अ ट्रीट यूज़ कर सकते हो यार, है ना। आपके घर में एक इंडियन परिया डॉग पड़ा है, देसी डॉग पला हुआ है, आप गांव में रहते हो, आपके मम्मी पापा आपको बिल्कुल पैसे नहीं देते हैं, आप रोटी यूज़ कर सकते हो यार ट्रीट की तरह, ठीक है, ट्रीट की जगह पर, है ना। आप रोटी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपका डॉग उससे भी उतनी ही वफादारी से सीखेगा। तो ऐसा कोई भी आपको ना डिप्रेस होने वाली बात नहीं है इसमें कि आप ट्रीट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में, या फिर आप क्या करो आप 8th क्लास में, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मुझे पता है कि डॉग्स के लिए पैसे नहीं मिलते यार, नहीं मिलते मतलब नहीं मिलते भाई, मिडिल क्लास फैमिली में नहीं मिलते, ठीक है। पेरेंट्स नहीं स्पेंड करना चाहते डॉग्स के ऊपर पैसे, वो खाना आना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि हमने एक तो डॉग भी ज़बरदस्ती पलवा रखा होता है ना, घर वालों की बिना सहमति के हम ज़बरदस्ती ले आए होते हैं, एंड वो हमारी जिद पे पाल रहे होते हैं, क्योंकि हमने रो रहा के कैसे भी बनवाया होता है, एंड उसके बाद फिर हम जब डिमांड्स करते हैं तो वो उस चीज़ नहीं करते हैं, वो डॉक्टर के यहाँ खर्चा दे देते हैं सब कुछ इमरजेंसी वाली चीज़, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मेरे को कमांड सिखाने हैं, सिट स्टैंड, और मेरे को एक ट्रीट का डब्बा चाहिए, तो फिर वो इतना नहीं अलाउ करेंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किस चीज़ से, मैं आपको ब्रेड से भी करके दिखाऊंगा, मैं आपको बिस्किट से भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। और भी कोई चीज़ उस समय अवेलेबल होगी जो ये लोग खाने इनको पसंद होगा, उससे भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यार व्लॉग काफ़ी लंबा बन गया, हाँ, एंड काफ़ी दूर हम लोग चल लिए, ये 8.5 मिनट का व्लॉग बन चुका है। तो यार मैं अभी थोड़ी देर में इस वीडियो को बंद कर दूंगा। ये देखो रॉक्सी जो है वो सामने जो छोटी सी गाय है उसको देख रही है, पैंथर पहले नॉर्मल था लेकिन इसको देख के ना पैंथर भी आज भौंक रहा है सारी गाय पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैंथर इसे कुछ सिखाए ना सिखाए, ये ज़रूर भौंकना भागना सिखा देगी पैंथर को। वो गाय है देखो, देख रहा वो, देखो उसके नीचे से घुस के भौंक रही है। तो यार अब यहीं पे बंद कर देते हैं, बस 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 अच्छे से निकालो पैंथर, हट जा बेटा, कैसे तुमने निकल लिया है बाबू, हाँ गुड बॉय। तो चलिए गाइज यहीं पे ये व्लॉग फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, काफ़ी लंबा व्लॉग बन गया होगा, 10 मिनट से ऊपर हो गया होगा, मैंने बीच में वीडियो कट की थी तो मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, फिलहाल बंद कर देती हूँ क्योंकि मैं सीधे घर ले जाऊँगा, गाइज काउस के पीछे नहीं ले जाऊँगा। तो बाय गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड सॉरी थोड़ा लेट वीडियो आई, लेकिन अब फिलहाल सब आता रहेगा। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जितना भी बचा है अभी फिलहाल, ओके बाय।